स्वागत है आपका लतरान न्यूज़ में। खैर मकदम है इस्तकबाल है। लतरान न्यूज़ के प्रोग्राम चलते चलते में हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे साथ हैं इत्तेहाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मुंबई के जनाब रईस दिलशुदिया साहब। आइए हम आपको उनसे रूबरू होते हैं। और रईस दिलशुदिया साहब, आपको मुंबई का सदर बनाए जाने पर बहुत बहुत मुबारकबाद लतरानी न्यूज़ की जानिब से और आवाम की जानिब से। और मैं चाह रहा हूँ कि जब आप सदर बने हैं तो कम अज़ कम हम अपने न्यूज़ चैनल की जानिब से आपका एक पैगाम चाहेंगे कि मिल्लत के नाम आप जो है वो एक पैगाम जो है नशर करें, ताकि जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अज़ायम का पता चले। शुक्रिया अंसारी साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम मुसलमानों को सलाम पेश करता हूँ। मैं और आने वाली ईद मिलादुल नबी के लिए सबको एक बार बधाई देना चाहता हूँ। मैं आपने जो सवाल पूछा उसी के आने वाले चुनाव के अंदर जी हाँ, मैं चाह रहा था कि आने वाले चुनाव में इस पर आप थोड़ा सा इजहार ख्याल करें कि मिल्लत को क्या करना चाहिए, वो आप एक पैगाम इस तरह। औरंगाबाद के अंदर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस चुनाव की घोषणा तो कर दी है, अब देखते हैं कि चुनाव कब चालू होता है, कब शुरू होता है, क्योंकि ये जो महायुति सरकार है इस चुनाव को आगे ढकेलने की साजिश में लगी हुई है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह हमने तो अपनी तैयारी शुरू कर दी है, मजलिस ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजलिस एक बेहतर आपको ऑप्शन के तौर पे नज़र आएगी तमाम मुसलमानों के लिए और अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लतरानी न्यूज़ लाइव।